युद्ध कलीसिया है जो संसार में स्थापित की गई है। कलीसिया ही उस प्रेम का प्रतीक और साक्षी हो जिसे ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति प्रकट करता है। हे ईश्वर, तू ही सब प्राणियों को जीवन की ज्योति प्रदान करता है। तू मनुष्यों को इतना प्यार करता है कि न केवल इतनी सुलभ चिंता से उनका भरण पोषण करता, हिंदु दिव्य प्रेम को ओस से उसके पाप की दया पूर्वक धो डालता, पाप भी धो डालता और उनके शीर्ष कृष्ण की ओर उन्हें सदा लौटा जाता है। तूने यह दयामय योजना रच रखी है कि जो पापी जन बपतिस्मा की पावन जल धारा में प्रवेश करेंगे वे क्रिस्त के लिए मर जाकर तथा निर्दोष बनकर फिर जी उठेंगे, उनके अंग बन जाएंगे और अनंत पुरस्कार की उत्तराधिकारी होंगे। इसलिए इस जल को अपने आशीष से पवित्र कर दे वह हम पर तथा इस हृदय के दीवारों पर छिड़का जाकर मुक्तिप्रद जल का प्रतीक बन जाए, जिसमें क्रिस्त द्वारा स्वच्छ किए जाकर हम तेरे आत्मा के मंदिर बन जाएंगे। अब सब पंथों के साथ जो अब से इस हृदय में दिव्य रहस्यों का अनुष्ठान करेंगे, हमें भी स्वर्गीय यरूशलेम में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीष कर तो इस घर को बन जाए प्रभु सुंदर Thank you.
यानी भाई बहनों आप लोग दो मिनट के लिए जरा बैठिए। जगह थोड़ा कमी बढ़ाना है लेकिन थोड़ा सा आपसे कर लीजिए और कोई किसी के बाहर में भी जा सकते हैं। आप बैठो भी थोड़ा चुप रहिए ना चुप चुप। प्यारे बिशप स्वामी और फादर लॉ सिस्टर लॉ और प्यारे भाई बहन आज हम सबों को बहुत खुशी का अवसर है दिन है प्रत्येक रीति में ये मंडली को और हमारे सारे परिश को और धर्म प्राप्त को खुशी के दिन है। हम एक नया गुर्जर का आशीष हुआ है और वही नया गुर्जर में सबसे पहला बार हम पवित्र वैसा विसर्जन चढ़ाने के लिए हो जाएगा। अभी सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे गिरजाघर के मंडली में हुआ है वही हमारा पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और हम जो कोई हमको मदद दे दिए हैं उन लोगों के लिए भी हम हमारा दिल से धन्यवाद करेंगे और उन लोगों का मतलब के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। आज का यही पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे बीच में सबसे पहले हमारे प्यारे विश्व स्वामी है थॉमस गुल्लोपल्ली आप लोग सब कोई विश्व स्वामी को जानते हैं। हमारे बीच में हमारा खुशी भाग लेने के लिए वो तैयारों के इधर में आए हैं जी। हम बहुत खुशी है उसके प्रसन्न में और हम उसके साथ में विश्व स्वामी का मतलब के लिए हम प्रार्थना भी करना है। सारा धर्म भ्राम का सब धार्मिक काम का नेता है यीशु से चिकाना व्यक्ति है इसलिए उसको सच्चे होने के लिए ईश्वर का आशीष के साथ में ईश्वर का इच्छा क्या है उसी के अनुसरण सारा धर्म ब्राह्मण को चलाने का आशीष के लिए हम हर एक दिन प्रार्थना भी करना है। और हमारे बीच में हमारा प्यारे फादर लो है हम लोग शायद जानता है और आंटो जोसफ सबको आप जानते हैं हमारा यही पैरिस का सावर है शुरू में मगलपुर में फावर आके बैठ में फावर आके बैठा है थोड़ा महीना के लिए और उसके बाद में जब भगलपुर में मट्टी मिला है भगलपुर में काम शुरू किया है और बीच बीच में फावर इधर में आते रहते हैं। से हम आज फावर को धन्यवाद देंगे आज के ही दिन हमारे बीच में आके हमारा खुशी में भाग लेने का वही मन हुआ है। इसलिए हम धन्यवाद करेंगे फावर को और हम स्वागत करेंगे और हमारा बीच में भाई फादर जॉर्ज मेरा पॉवर्चल को आने नहीं सका है दूसरा कुछ अर्जेंट काम हुआ है इसलिए फादर जॉर्ज को अपना प्रवेश का स्थान में यही फंक्शन के लिए यही आशीष के लिए भेजा हुआ है। फादर जॉर्ज हमारा प्रोविंशियल काउंसलर भी है गुवाहाटी में नारगी हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है और प्रोविंशियल काउंसलर भी है। हम फादर को धन्यवाद करेंगे और फादर के लिए भी प्रार्थना करेंगे और हमारा बीच में और एक जन है हमारा प्यारे फादर मैथ्यू कोटार फादर आंडो ने इधर में पैरिस आगे में फादर मैथ्यू कोटार ये सारा मंडली में चोरी करते थे शायद आप लोगों को उसको फादर ने पाकिस्तान में किया होगा शायद वही आदमी हमारा बीच में है। ईश्वर का आशीष है वही जिन्होंने ईश्वर का आशीष है और फादर अब सब जानते हैं फादर अभी रिटायर्ड हुआ है और विशेष तौर में आरंभ करते हैं और यही कार्यक्रम का
जो बीपी फिगर जनरल भी था फादर, और हम फादर का तबीयत के लिए, फादर के लिए, फादर का मतलब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो फादर का स्वागत करते हैं और हम सब लोग हम लोग का फादर है। तो हमारे बीच में और सिस्टर लोग आए हैं, हम मैंने आप लोगों को बोला है केरला से सुपर और अनी झा आए हैं और उसका साथ में पारी से और ये बस्ती का बस्ती के बस्ती से भी सुष्ट लोहाई और धन और खेबरी बस्ती से भी सुष्ट लोहाई और सब सुष्ट लोग मिल करके यही सब किया है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और आप लोग सबों को मैम बारिश हो के ये बारिश पुलिस हो के ये पवित्र मिश्रा बलिदान में भाग लेने के लिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वागत करता हूँ। जय श्री और पुत्र प्रभु आप लोगों के साथ हो। मान्यवर पावर कीर्तन पंडित पुरोहित और जो असिस्टेंट पंडित पुरोहित और मान्यवर पावरगण नगरगण सुशोधन आपके इतने प्यारे भाई और हम पहली बार इस नया विजयागर में हम पवित्र मिश्रा बलिदान संक्रमण का अनुष्ठान करने वाले हैं। इस पावन बलि के बीच में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें विशेष करके इस गाँव मंडली के प्रचारक पंच लोग और हमारे इस गांव के मुखिया लोग जो है उनके लिए और जो महिला कमेटी प्रसन्न है, यूथ प्रसन्न है, कुशीर है और उनका लिए लोग हैं विशेष प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे गांव मंडली में जिसमें बीमार है और ईश्वर का कृपा विशेष जी के साथ है उनके लिए भी हम विशेष से प्रार्थना करेंगे। आपसे में हम प्रार्थना करेंगे हमारा एक पैंतृक परिवार हम लोग प्रीत में हमारा विश्वास में और मजबूत बने और हमारा जीवन विशेष करके इस गुरुजगत के आने से खुद से नयापन नया से हो जाए, बदलाव हो जाए और हम सचमुच में एक आदर्श कलीसिया बने, इस मतलब से हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो एक बार से हम लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस घर पूजाकर बनाने के लिए बहुत रीति से मदद किए, उन सबको हम याद करते हैं और उनको ये प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद स्वरूप आइए अभी इस पावन बलि योग रीति से चलाने के लिए थोड़ी देर मौन रहेंगे, अपने सब पापों के लिए ईश्वर से और भाई बहनों से क्षमा मांगेंगे। भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कारण से पूरा न करने से हम लोगों को दया करें और हमारे पाप क्षमा करें, गुणन जीवन प्रदान करें। Thank you.
जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते और राज्य करते हैं। यहूदियों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है। पहला पाठ परिचर्य। जब पितरुस कर्नेलियुस के यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पितरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, किंतु पितरुस ने
उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पितरुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं आप अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्रियों का मनुष्य कोई ना हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्मचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पत्र बन जाता है। पितरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वाले पर उतरा। पितरुस के साथ आए हुए यहूदियों को विश्वासी का देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पितरुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पितरुस से यह कहकर अनुरोध करने लगा, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए, यह प्रभु की वाणी है। Yeah.
दूसरा फल संत योहान के पहला चिट्ठी। ईश्वर प्रेम है कि ये प्यारे भाईमान लागे हमरे एक दूसरा के प्यार करा कारण के प्रेम ईश्वर से जन्माल जे प्रेम करे से ईश्वर के जन्माल है के और ईश्वर के जाने जे प्यार नहीं करे से ईश्वर के नहीं जाने कारण के ईश्वर प्रेम है के ईश्वर हमरे के प्यार करे इकर में इकर से प्रकट हुई है कि ईश्वर अपन एकलौता बेटा के दुनिया में भेजला जेकर से हमरे उकर से जीवन पावे पड़ा। ईश्वर के प्रेम के चिन्ह इकर में आहे कि आगे हमरे ईश्वर के नहीं मगर ईश्वर हमरे के प्यार करलक और हमर पाप मान के पछतावा लगे अपन बेटा के भेजलक। या प्रभु की वाणी है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्चा तकलाता हूं और मेरा पिता भगवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नगी फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है चाटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दखलाता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहो, मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दखलाता हूं और तुम डालियां हो।
जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत पलता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली को डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आँख में चौक कर जल देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाई और बहनों, छोटा रास्ता उपदेश के पहले मैं फिर एक बार से आप लोगों का पल्ली पुरोहित फॉर स्टीफन और असिस्टेंट फॉर जो को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादरों का इनिशिएटिव, फादर लोग यहाँ पर इस मकान जगह बनाने का उद्देश्य से इधर उधर दौड़ा दौड़ी किए, उसका फलस्वरूप यहाँ पर आप लोगों का भी मदद से जरूर एक जगह यहाँ पर खड़े हैं। फादरों को भी विशेष धन्यवाद। हमारे पारिश के सिस्टरगण जो आप लोगों के यहाँ पर आते रहते हैं, धर्म की शिक्षा देती रहती है, उनको भी हम आज याद करते हैं और विशेष धन्यवाद हम चढ़ाते हैं। वो बाहर में सुन सकता है क्या? सुन सकता? ठीक है। तो जब ये गिरजाघर आशीष के लिए पानी को आशीष किया था तो वो प्रार्थना में कहा, मैं आप लोगों ने सुना कि गिरजाघर बनाना जरूरी है और मुश्किल भी है, लेकिन उससे भी जरूरी और मुश्किल काम क्या है? इसलिए समुदाय को एक गिरजा बनाना, एक मंदिर, ईश्वर का मंदिर बनाना, ये अधिक से मुश्किल काम है। ऐसी कुछ प्रार्थना में आप लोगों ने सुना, ये सचमुच सही बात है। क्यों? क्योंकि इतना शायद आराम से एक गिरजाघर तो हम लोग उठ खड़े हो कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्तीय समुदाय को एक परिवार, एक घराना बनाना और एक मंडली बनाना सहज बात नहीं है, और गिरजाघर का मतलब ही वही है। तो हम लोग यहाँ पर एक पक्का गिरजाघर का आशीर्वाद से तो केवल पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ही हम लोग ने उठाया है। बहुत मुश्किल का और लगातार करते रहने का अन्य काम भी है, जैसे हमारी मंडली को, यहाँ का 35 परिवार को एक 35 परिवारों को एक परिवार जैसे बनाना, एक मंडली बनाना।
हाँ पानी थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो एक गिरजाघर का विशेष काम है, दो काम है। एक है ईश्वर का वचन और दूसरा है सैक्रमेंट, वर्ड एंड वर्शिप, बाइबल और सैक्रमेंट। सैक्रमेंट कितना है, कितना सैक्रमेंट है तुम लोग बताओ, सैक्रमेंट कितना है, 5, 10 कितना है, 10, 7 सैक्रमेंट है। और ईश्वर का वचन कहाँ पर मिलता है, ईश्वर का वचन कहाँ में मिलेगा, ईश्वर का वचन बाइबल में। तो ये दो बात गिरजाघर के लिए, एक तरफ से ईश्वर का वचन और दूसरा है 7 सैक्रमेंट। ईश्वर का वचन बाइबल में है और आप लोग रविवार गिरजा में आते हैं विशेष करके ईश्वर का वचन सुनने के लिए, उसकी व्याख्या सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। रविवार में कितना पाठ होता है गिरजा में, 3 पाठ है। एक सब समय पुराना नियम संहिता से, दूसरा पाठ नया नियम संहिता से और तीसरा पाठ सुसमाचार से। तो आप लोगों का रविवार का गिरजा यहाँ पर कब होता है, क्या बजे होता है, यहाँ पर गिरजा कब होता है रविवार समय कब होता है, 9 बजे गिरजा। कौन घंटी बजाता है, हलमा जी, जो भी होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है उसमें मुख्य बात है कि बाइबल का पाठ पढ़ना और उसकी व्याख्या देना। हर समय पालक ही करते हैं ना, अन्य लोग भी करते हैं, कौन उपदेश देता है रविवार, ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो पढ़ने वाले हैं उन लोग उसके आगे का दिन तैयार होकर जाना, अच्छी तरह से सब कोई समझने के जैसे पढ़कर सुनाना होगा, और जो उपदेश देगा वो अच्छी तरह से तैयार करके आना होगा। हम लोगों का डायसिस का नियम है कि जब पहला शुक्रवार प्रचारक लोगों का मीटिंग होगा उस समय फादर लोग पूरा एक महीना का क्या क्या उपदेश देना है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, उसमें अच्छी तरह से समझ करके लिख के ले आना। और यहाँ पर ईश्वर का वचन की व्याख्या सुनाना होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत वर्षों का पहले लिखा हुआ है इसलिए। और समय समय जो पढ़ा लिखा है अन्य लोग भी उपदेश दे सकते हैं, प्रचार जैसे किसी को बताएंगे। तो सर्विस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का वचन का धर्म विधि है हर रविवार में, जब फादर लोग नहीं आएगा उसको अच्छी तरह से तैयार करना और सब कोई उपस्थित होने के लिए कोशिश करना और भाईचारा और एक परिवार का भाव अपने में बढ़ाना होगा। और सैक्रमेंट मैंने कहा 7 सैक्रमेंट है, उसमें से सबसे बड़ा सैक्रमेंट कौन सा है, लड़के लोग बताओ कौन सा है, सबसे बड़ा 7 सैक्रमेंट है उसी में सबसे बड़ा सैक्रमेंट कौन सा है, पवित्र यूक्रेश। तो उसको हम लोगों का डायसिस में ऐसा एक प्रथा चल रहा है, कम से कम 3 महीना में एक बार फादरों को बुलाना और पवित्र यूक्रिस्ट चढ़ाया जाना चाहिए हर गांव मंडली में। और पवित्र और 3 महीना के बाद जब फादर आएगा तो कम्युनियन ग्रहण करने के लिए जो लोग पावसियार किए हैं उन लोगों को पावसियार करना ही बहुत जरूरी है, पाव सिगार करना होगा। तो पाव सिगार करना और कम्युनियन ग्रहण करना जब फादर लोग आएगा। तो अन्य सैक्रमेंट है आप लोगों का पैरिश का नियम के अनुसार, जैसे फादर लोग नियम बनाता है, जो जो सैक्रमेंट यहाँ पर मिलते हैं, शायद बपतिस्मा, शायद विवाह का सैक्रमेंट या अन्य सैक्रमेंट, जैसे पैरिश का नियम है यहाँ पर पालन करना होगा। और ईश्वर का वचन से जोड़कर कुछ और बातें हैं। एक है कि संडे स्कूल, माने स्टडी ऑफ द बाइबल,
बाइबल बाइबल क्लासेस होना चाहिए, मैंने संडे स्कूल, धर्म की शिक्षा, कैटेगिज्म क्लास हर रविवार को हो। आप लोगों के यहाँ पर होता है कि नहीं होता है? कौन है प्रिंसिपल आप लोगों का? आपकी प्रजा रही। हम लोगों का डायसिस में हम लोग बहुत अच्छा है, कटे रही है, लेकिन एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी गांव मंडली में कॉलेज पढ़ने वाला लड़के या लड़की है उनको हेड मास्टर बनाना होगा। आप लोगों का गांव में है कि नहीं कॉलेज पढ़ने वाला लड़का लड़की है? एक कितना है? तीन चार है क्या? और टेन, वेरी गुड, दस जन के ज़्यादा है बोलते, बहुत बहुत अच्छा। तो आप लोगों को संडे स्कूल में क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, फोर ऐसे क्लास दे सकते हैं। जैसे हर साल कुछ परीक्षा भी होना उचित होगा, तो उसके बाद प्रमोशन मिल करके बहुत सारी बातों को सिखा सकेंगे। तो आप लोग हर गांव मंडली में एक प्रिंसिपल हेडमास्टर को ठहराना, और हेडमास्टर दत्तारोह से और दूसरा दूसरा टीचरों को भी, टीचरों का भी सहयोग लेंगे। और संडे स्कूल को कायम रखेंगे। और हम लोगों का डायसिस में नियम है कि हर शुक्रवार शुक्रवार को 3 बजे महिला कमेटी का मीटिंग, प्रार्थना और मीटिंग होना चाहिए गांव गिरजा में। मुझे मालूम है आप लोग बगान में शायद ज़्यादातर लोग काम करने जाते हैं, इसलिए शुक्रवार तो ये नहीं सकेंगे। आप लोगों का ये मंडली में कब है महिला महिला कमेटी? गांव में महिला कमेटी है कि नहीं? कौन है प्रेसिडेंट महिला कमेटी का? प्रेसिडेंट कौन है महिला महिला मनकर प्रेसिडेंट के है के? आप है दिया कौन है? नहीं है। जो भी हो आप लोग कब करते हैं महिला मीटिंग करता है कि नहीं महिला मीटिंग? नहीं तो अभी नया गिरजा शुरू हो गया, इसी से लेकर के महिला मीटिंग हर शुक्रवार को करना है। नहीं तो आप लोग व्यवस्था लीजिए कब करना अच्छा होगा, लेकिन करना होगा सप्ताह में एक बार। और यूथ का हर शनिवार शाम को युवक युवती लोग दूसरी माला करने के लिए यहाँ पर जमा होंगे, यूथ समझे कि नहीं? यूथ लोग जमा होंगे। आप लोगों का यूथ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है कि नहीं गांव मंडली का? नहीं है तो अभी नया गिरजाघर का उद्घाटन हुआ है, आप लोग नया सह कमिटी बैठिए बैठाइए और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को चुन लीजिए। और हर शनिवार शाम को आप लोग समय निर्धारित कीजिए और यूथ प्रार्थना रखिए शाम को, और यूथ का मीटिंग भी कीजिए। और जरूरी हम लोगों का पूरा क्राइसिस में एक काम ऐसा ही चलते आ रहे हैं। और आप लोगों का बारिश में क्रूज वगैरह शुरू हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, नहीं होने से जब फॉलोस सुविधा के अनुसार क्रूज वगैरह शुरू करेंगे तब क्रूज वगैरह भी रखने के लिए कोशिश करना। ये सबसे हम लोगों का मंडली, गांव का मंडली, गांव की मंडली एक परिवार के जैसे होंगे, एक मंडली बन जाएंगे, कलीसिया के जैसे, कलीसिया नहीं लेकिन मंडली बन जाएंगे। ये सब बात मन में रखना, तभी हम लोगों का ये नया गिरजाघर का पूरा इस्तेमाल हम लोग करने पाएंगे। और गिरजाघर हमारा जीवन में एक बदलाव डालेंगे, ये बात को मन में रखिए। और उत्साह के साथ आप लोग इस सबको पालन करने में कोशिश कीजिए। आप लोगों का गांव मंडली में साकरमेंट की बात मैंने कहा, साकरमेंट पहला कम्युनियन हर साल होता है ना, कैसे आप लोगों का गांव मंडली में पूजा रखी? गांव मंडली में पहला कम्युनियन हर साल होता है, तो जैसे आप लोगों ने सुविधा, लेकिन समय समय पर होता है। और दृढ़करण जब सभा के समय में बिशप आएगा, नहीं तो बिशप किसी को भेज देंगे, सभा में दृढ़करण साक्रमेंट तो होना चाहिए। और शादी साक्रमेंट तो पारिश में होता है ना, गांव में पारिश में शादी स्कूल है ना? नहीं, कितना दिन का शादी स्कूल है?
संडे बहुत बहुत अच्छा, तो वो सब बहुत ही। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग सब स्कूल जाते हैं कि नहीं? सब लड़के लोग नहीं बोलते हैं, जाते हैं कि नहीं सब? हैं नहीं जाते जाए? ठीक है, तो अरे मैं स्कूल जाता रहे बा बेस से पढ़वा, और अच्छा क्रिश्चियन होए का है और अच्छा नागरिक होए का है। मैं एक बात का एक खोजो ना, हमनी कर गांव से मंडली से कितने मना है हमनी कर स्कूल में, पारी स्कूल में हमारा स्कूल आप लोगों के लिए हम लोग खड़े किए हैं। हमारा फादर सुसलो दिन रात अपना जीवन को त्याग करके हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कहीं भेजेगा तो मुश्किल होगा, हमारा स्कूल में बाल बच्चों को भेजना है। इसी उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि आसाम नो टी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और लॉयर इस ईयर मिस्टर डेविड टी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ टी गार्डन्स। Are there anybody getting in this area or not? As far as I know, they will give also the fees of the English Medium School also Tea Corporation of India. Tea Board of India is giving scholarship for English Medium students also school fees. In addition, if they stay in hostel, hostel fees also is given. I think now is the time to get the forms. You have to fill it and submit in Guwahati. There is office, Tea Board office is there. You have to submit there. They will get the money. Our children will get money. So maximum number can go and study in our parish school, English medium, best education where our fathers, sisters are teaching. So our children, for whom it is meant, our school is meant for. Can you? Is it already available here or not, Mr. David? No. Available. Ah, very good. How many are getting? Just it, no, only out of curiosity. How many may be getting? Many are getting or only very few? Very few. Maximum, you please make use of it. Next catechist meeting in the parish, you discuss. Somebody has to bring the form and distribute, and people may not know how to fill it up. In the principal's office, there will be somebody, secretary or someone who will help you to fill up, and somebody will take it to Guwahati to Mr. David, who will submit it to the Tea Board office in Guwahati, and you will get the fees. How much our fees we have to pay in the school, money will be given, and also this hostel fees. Those who stay in hostel also, there is provision to get that fees also. So you please make use of these benefits. Ye sab suvidhaen ko इस्तेमाल करो, और जैसे कि हमारे जितने सकेंगे हमारे पारिश स्कूल में शिक्षा पाए, ही हमारी इच्छा है। ये सब मैं कहता हूँ। देखियो उपदेश का ठीक समय में इतना जोर से पानी आया, अभी पानी बंद हो गया, आराम से बात कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर मौन रहेंगे और हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट का अगला कार्यक्रम में हम लोग भर लेंगे। जय जीसु। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का धर्मसार कहेंगे। स्वर्गावृत्ति के सृष्टिकर्ता अपने पाड़ा को से जन्म लिया वास्तव में
विश्वास के साथ हम हमारे परम तारे प्यारे पिता ईश्वर को अपने निवेदन को चढ़ाएंगे। हमारे साथ पिता फ्रांसिस पहला सभी धर्माध्यक्ष याजकगण और कलीसिया के अन्य अधिकारों अपने प्रेम की सेवा और हृदय में कार्यों द्वारा प्रकट कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करे विश्व के सभी ख्रिस्तियों को और यह समझने की कृपा दे कि वे ईश्वर के संयुक्त है जिसका नाम प्रेम है, ताकि वे भी एक दूसरे को प्रेम करते हुए जीवन जिए, उसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करे। सभी मानव जाति के लिए कि वे यीशु के प्रेम की आज्ञा को पूरी करते हुए छुट्टी के प्रति उदार तथा गरीबों और उदारता मांगों का सहायता प्रदान कर सके, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करे। संसार में शांति एवं एकता के लिए कि जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, इस कथा की शक्ति के द्वारा सबों का मन और हृदय क्रोध घृणा बैर बदले की भावना से मुक्त हो जाए, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करे। युद्ध हिंसा और दंगे की शिकार होते हुए लोगों के लिए कि प्रेमी ईश्वर की दया से उन्हें सांत्वना और मानसिक तथा शारीरिक चंगाई प्राप्त करे, इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करे। और अपनी बात हमारे बिशप थॉमस उल्लुपिल्ले प्रार्थना करब ताकि हमारी पूरा डायसिस के अच्छा से चलाए पड़े, इसके लगे प्रभु से निवेदन कर हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। इधर हमने के रानी फादर बना है गुवाहाटी से अपने डायसिस के फादर मनोमन कर भी सुस्वस्थ रह के अपना कर्तव्य को पूरा करे पर वह से लेकिन यह निवेदन करा फिर भी दा हमारे प्रार्थना सुन। और हमारे हमने के केरला कर जय मंजू जब सिस्टर है और हमने के फादर कराए हुआ है वो बार सुस्वस्थ रह के अपना काम के पूरी करे पर वह से लेकिन यह निवेदन करा फिर भी दा हमारे प्रार्थना सुन। ए प्यारे पिता इन सब हमारे कुछ निवेदन है और इन सबको ग्रहण कर और उनको प्रदान कर जो हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है, हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Thank you.
द्वारा विशुद्ध हो जाए और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताए या वर्दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्ता का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्ता के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा आपका बखान करती है।
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इस उपहार को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। है हमारे विश्वास का रहस्य। क्राइस्ट मूवी में हालेलुया की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु पर हमारे संत ब्रदर फ्रांसिस, हमारा धर्माधीश थॉमस और सत और सभी साथियों के साथ विश्व भर में पावली अपनी कलीसिया की स्तुति ले, सदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुमारी मरियम, संत जोसेफ और धर्म प्रेरित ओम सदा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रेरित तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति गान करते रहे, जो हमारे प्रभु की के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर प्रदान महिमा युवान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने दुनिया में सिखाया है।
मिलने में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर आपकी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की पूजा करते रहे एवं हमारे किया हुए दुख के कटों पर हमारी मनोमय आशा पूरी करेंगे। मैं प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर कि गांव युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे।
Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, इसके पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। वह पाप का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोग के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय प्रभु की शांति एवं प्रेम साथ रहे। Oh,